उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में नेता और सरकारी अधिकारियों का रिकॉर्ड भी बिजली बिल भरने में बेहतर नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेताओं और अधिकारियों के सरकारी आवास पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया गया है। 1,00,000 प्रीपेड मीटर के ऑर्डर दिए गए हैं। जैसे ही ये मीटर आते जाएंगे सरकारी आवासों में लगते जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अपने यहाँ प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए अपील की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों और अधिकारियों के आवासों पर करीब 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वसूली के लिए राज्य सरकारों ने किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया है। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए 5 डिस्काम के तहत 75 थाने खोले जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने 2,050 पदों का सृजन किया है। अब तक प्रदेश में 68 थाने खुल चुके हैं, जिनमें तैनात पुलिस कर्मियों के लिए वेतन और दूसरे खर्चों का भार पावर कॉर्पोरेशन खुद उठाएगा। इन थानों के लिए 75 निरीक्षक, 375 उपनिरीक्षक, 675 मुख्य आरक्षी, 150 मुख्य आरक्षी, कंसोल ऑपरेटर और 675 सिपाहियों के पद मंजूर किए गए हैं। इन थानों में तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मचारियों का काम जिले के हर इलाके में बिजली की चोरी को रोकना है। शुरू करें। सबको बिजली, निर्बाध बिजली, पर्याप्त बिजली, स्वच्छ बिजली और सस्ती बिजली देने का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी उपभोक्ता जितना बिजली कंज्यूम करते हैं उतना बिल वो समय पर दें, जिसमें सरकारी विभाग लगभग 13,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा बकाया है। उसके लिए जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने मंत्री हैं, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे प्रीपेड कम स्मार्ट मीटर की, और उसकी शुरुआत हम 15 तारीख यानी कि 15 नवंबर से अभियान चलाएंगे। और उसके पीछे ध्येय यह है कि हम लोगों को सस्ती बिजली दें, गाँव में गरीब को, किसान को पर्याप्त मात्रा में सस्ती बिजली उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प है कि गाँव मैं जो गरीब की झोंपड़ी है उसमें 24 घंटे रोशनी रहे, और उसी संकल्प को चरितार्थ करने के लिए ये हमारा अभियान है। और हम आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के मित्रों के माध्यम से सबको आह्वान करते हैं कि जो उपभोक्ता जितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है उतना बिल समय पर जरूर दें। बिजली चोरों के खिलाफ भी बहुत तेज गति से हमारा अभियान चल रहा है। 75 जिलों में हमारे थाने खोलने का अभियान है, जिसमें से हम 65 जगह थाने खोलने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। लगातार हमारी गहन सघन चेकिंग भी चल रही है, और इसके पीछे केवल मोटिव है कि जो ईमानदार उपभोक्ता है लगातार उस पर बोझ बढ़ता जाता है, उस पर बोझ कम हो, और गांव में जो गरीब की झोंपड़ी है उसको 24 घंटे निर्बाध और सस्ती बिजली उपलब्ध हो, उसके लिए हमारा अभियान चल रहा है। और सभी लोग इस अभियान में हिस्सा लें, सभी लोग इस अभियान का सहयोग करें, और सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है पूरे प्रदेश को ऊर्जित करने के लिए, 24 घंटे हर गांव में बिजली पहुंचाने के लिए। हम गांव वासियों से भी अपील करेंगे कि अपने गांव को 15% से कम लाइन लॉस में लेकर आएं, 24 घंटे बिजली प्राप्त करें, और जर्जर जो तार हैं उन गांवों के सबसे पहले चरण में बदले जाएंगे। जहां 15% से कम लाइन लॉस होगा उन गांवों में प्राथमिकता पर उन गांवों को रखा जाएगा, जहां जिन फीडरों पर 15% से कम लाइन लॉस है, जिन गांवों में 15% से कम लाइन लॉस है। तो सरकार का संकल्प यह है कि पूरे प्रदेश को ऊर्जीकृत करें, पूरे देश को रोशन करें, गांव में गरीब की झोंपड़ी को रोशन करें, उसी के लिए हमारे अभियान है। अगर आपको पाना है एक स्मार्ट एंड रॉयल लुक, तो पहुंचे स्टाइल एंड कट सैलून में। मथुरा शहर का एकमात्र ऐसा यूनिसेक्स सैलून, जहां एक ही छत के नीचे आप अपने परिवार सहित करा सकेंगे बॉडी केयर ट्रीटमेंट, जहां बेस्ट एक्सपर्ट्स द्वारा दी जाती हैं हेयर कटिंग, शेविंग, हेयर कलर, फेशियल। वही महिलाओं के लिए हेयर कट, रिबॉन्डिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्स इत्यादि सैकड़ों सुविधाओं के साथ ही स्पा की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मिलता है आपको एयर कंडीशनर, वातावरण, सभी सुविधाओं के साथ, वो भी वाजिब दामों पर। तो फिर देर किस बात की, आज ही पहुँचे स्टाइल एंड कट्स यूनिसेक्स सैलून, गायत्री कॉम्प्लेक्स, गोविंद नगर, महाविद्या चौराहा, मथुरा।